भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने गानों की वजह से तो कभी अपने रिलेशनशिप की वजह से। अलग अलग हीरोइनों के साथ नाम जुड़ने और अनबन के बाद काफ़ी लंबे समय से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच अनबन और तलाक की खबरें सामने आ रही थी। दोनों ही हमेशा अपने अपने तरीके से अपने रिश्ते को मीडिया के आगे जाहिर करते आए हैं, लेकिन अब ज्योति सिंह का फोन पर बात करते हुए एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो काफी वायरल भी हो रहा है। आप भी सुनिए कि इस ऑडियो में पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह क्या कह रही हैं। पवन जी खुद ललायत है अपने लड़के की। ललायत है तो क्यों तलाक दे रहे हैं, आप ही बताइए ना। जब बीवी का शौक था बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं। आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन करी है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आप ना मेरे साथ, मेरा पति है ना ससुराल है ना कुछ है ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा। आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की, वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या, मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आगे मीडिया में बोले हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है। मैं मेरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या। मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती जाके रहे हैं। मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ, इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है। अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या, मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, ये सही नहीं है अंकल, ठीक है। देखिए हम एक चीज बता देते हैं, अभी गवा रहे हैं, डेट में भी कुछ होगा तो मुझे ऐसा है। ज्योति जी एक चीज सुन लीजिए जी, मेरा भी बात, आप एक लाइन जो बोली है ना कि पवन जी अभी मेरे पति हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और पति का बुराई कोई करेगा तो जैसे हमको नहीं अच्छा लगता है आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगा अंकल, मुझे नहीं लगता है। आप मुझे, मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ, इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है। अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या, मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, मुझे भी पता है वो इंसान मेरा पति है और मैं उस इंसान के बारे में कुछ बोलती हूँ, उस इंसान को कुछ होता है तो मुझे बुरा लगेगा। यही बात हमको बहुत अच्छा लगा, देखिए खत्म भी हो जाएगा अंकल तो कल को मुझे बुरा लगेगा उस इंसान के लिए। लेकिन आप भी बताइए कि जब वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती जाके रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं वो कर रही हैं, ऐसा नहीं। कौन लड़की चाहेगी कि देखिए चुनाव में आपके साथ रहे कि नहीं रहे उसको बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या। मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ, मैं घूमी नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं, प्यार नहीं होता मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती। सही बात है, मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। तो आप बताइए इतना होने के बावजूद मेरा मेरे पापा की तबीयत खराब, देखिए और आप इस तरीके से बात करेंगे। अच्छा आपको ये, आप जब ये बात तो समझते होंगे कि पवन जी कितने टूटे हुए हैं भीतर से। बिल्कुल हाँ समझती हूँ, हाँ उनका भी थोड़ा सा समझिए भीतर से। आप बताइए, देखिए वो लोग पब्लिक में ये नहीं दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, लाचारी है उनके पास। मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या, मेरे साथ जो जो चीजें हुई है हम आके मीडिया में बोले हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है। मेरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में, ना मेरे साथ मेरा पति है ना ससुराल है ना कुछ है ना कोई घर परिवार है, इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा। आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल की, वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं।
अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। आप बताइए कि इस बीच आप ऐसा बाइट देंगे अंकल, तो अगले के मन में या फिर दूसरे के मन में क्या आएगा, रिश्ता बनने वाला भी बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो रिश्ता तो बना, हम लोग तो इतना अच्छा बाइट दिए हैं कि रिश्ता तभी तो ज्वाइंट हुआ। बताइए, आप मेरी भावना को समझे, तभी तो दोनों रिश्ता अभी भी तो ज्वाइंट है, कहाँ बिगड़ा है रिश्ता। बबीता मिश्रा बार बार बोल रही है कि रिश्ता बिगड़ गया, ये कहाँ रिश्ता बिगड़ा है। आप उनसे धीरे से बात करिए, आप क्यों, आप अगर आपको लग रहा है कि बत्तरी बाइट दे रही हैं तो आप उनसे बात करिए ना। तो अंकल हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हम पवन जी के बारे में कुछ उल्टा बोलिए, ना ही हमने बत्तरी से बोला है कभी कि आप पवन जी के बारे में उल्टा बोलिए। उनका वो लोग रिपोर्टर हैं, उनको जो वो लोग देख रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो लोग अपनी तरफ से, बहुत लोग मेरे बारे में भी न्यूज बनाया जब हमारी चीजें चल रही थी। ज्योति जी ऐसा है, उनका फैन फॉलोइंग पर, उनके फैन फॉलोइंग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को मानिए। आप पत्नी है अंकल, लोग आप एक बात बताइए, आप रोक लेंगे, आप रोक लेंगे, उनका फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, मेरी जीवन पे असर पड़ रहा है। अंकल आप ये क्यों सही समझ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, चार लोग कम हो रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है अंकल। आप एक बार पवन जी से बतिया लीजिए ना, दोनों साथ तो है, आप पूछिए पवन जी से आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन करी है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आपको नहीं पता है अंकल, तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे, उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ, तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे, आप मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं, आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइट दे दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है, वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल। देखिए ठीक है, हमको दो चार दिन का समय, सुनिए ना, खुल के बोल रही हूँ मैं, आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। ये चीज हम बता देते हैं, आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपको हम पवन जी को बचाव करते हैं, आपके परिवार से हमको कोई ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों साथ रहिए। पवन जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तारीफ नहीं, मेरे मोहब्बत तक मत आइए, मेरे माँ बाप तक मत आइए, बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो बार बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए अंकल। लड़का देखिए टूटा हुआ है ज्योति जी, पवन जी टूटे हुए हैं, इस चीज को खाली समझ लीजिए अंकल, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप देखना ही नहीं चाहते हैं क्या। इधर से ये बबीता मिश्रा जो पहले सिंगर थी, इधर से पूरा एकदम अथी कर रही है इस बात पर, बबीता मिश्रा को क्या मतलब है कि इतना अथी टॉर्चर करना। टूटा है अंकल, तो एक बात बताइए, लड़का नासमझ है, क्यों नहीं बचा ले रहा है अपना रिश्ता, जब वो जानते हैं कि एक ना तलाक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है, एक ना तलाक होने से आपकी, आप जो बोल रहे हैं कि उनके फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, वो चीज आपकी वो हो सकती है, डबल हो सकती है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बचा ले रहे हमारा रिश्ता, आप जाके बोलिए ना। पवन जी इतने ना समझ हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि अगर मैं ज्योति को रख लेता हूँ, ज्योति के साथ मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं कह रही हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस चीज की गारंटी दें मुझे कि आप पवन जी को भेजेंगे इज्जत से ले जाने के लिए मुझे, मैं आज के अब भी तैयार हूँ, अब भी आएंगे, अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज की गारंटी दें कि वो मुझे लेने आएंगे, और अगर नहीं आएंगे अंकल तो आज की बार आप मेरे माँ बाप के बारे में नहीं बोलेंगे, जाएंगे लेने के लिए, जाएंगे लेने के लिए, आइए भेजिए उनको, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे, हम दुआ इसलिए जाएंगे लेने के लिए कि उनको बहुत ललायत है अपने बेटे के, पोते के लिए, उनकी माँ पवन जी खुद ललायत है अपने लड़के तो की। तो क्यों तलाक दे रहे हैं, आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था बच्चे के लिए ललाए हैं तो क्यों तलाक दे रहे हैं, क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं, आप बस बताइए ना, आप तो तुरंत मेरे माँ बाप पे आ जा रहे हैं, ज्योति जी के माँ बाप पवन जी को घर, आप पवन जी को, आप आपके दोस्त हैं, आपका स्टूडियो है, आपका सब चीज है, आप उसमें हैं कि पवन जी का मेंटेनेंस जो उन वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे, गिरे पड़े खानदान से नहीं हूं अंकल, लेकिन हाँ मैं खुल के कह रही हूँ कि पवन जी का जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी फैमिली मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्यों चाहेगी कि पवन जी आके घर जमाई बन के रहे। नहीं नहीं नहीं, हमको उससे लेना, देखिए पवन जी कभी नहीं चाहते हैं, पवन जी नहीं चाहते हैं कि मेरा कंट्रोवर्सी हो, नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। ज्योति सिंह के नाम पे जितनी गंदगी की गई, ज्योति सिंह चाहती थी क्या कि लोग आके मेरे बारे में ये चीजें बोले, हमारा तो मुंह से बोला जा रहा है अंकल, जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो छपा हुआ है पूरा,
अच्छा ठीक इससे है, क्या कहना चाहेंगे आप अंकल? बस देखिए, 100 बात की एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाए। हम ठीक है, दोबारा हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे। अगर वो आके हमको ले जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे। हम सोचेंगे कि मेरे नहीं, लिए सिर्फ भूलना पवन जी क्या, हैं, भूलना यही नहीं है, नहीं, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर को लेकर करके चल कर तब माता पिता को देखना है। आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं। आपकी आपके सोच को वो करने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल जाऊंगी, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे, भगवान, दुनिया, माँ बाप, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे। आप बस इतने के लिए राजी कर लीजिए कि पवन जी मेरे घर आए, मुझे इज्जत से लेके जाए, जैसे जैसे हमको छोड़े हैं वैसे इज्जत से लेके जाए। मैं अपने पूरे परिवार को भूल जाऊंगी कि मेरा कोई खानदान है, मेरा कोई परिवार है, मैं मेरे लिए जो होंगे पवन जी होंगे। आप इतना कर दीजिए, और नहीं कर पाते अंकल तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं मेरे नहीं में नहीं ठीक ठीक है, हम समझ गए, समझ गए आपकी बात को। जी। तो सुना आपने ज्योति सिंह का यह वायरल वीडियो। यूं तो पवन सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दबदबा है, लेकिन अभी तक इस वायरल ऑडियो पर पवन सिंह ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना है कि पवन सिंह इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज विंग। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।